गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम लोग एमएचएस के सभी अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो गाइज जो लास्ट वीडियो रिलीज किया था उसमें बहुत सारे विंटर बैच के स्टूडेंट हैं जिनको डाउट ये आया है कि विंटर बैच का एग्जाम और समर बैच का एग्जाम क्या एक साथ में होगा, ये आज का एक टॉपिक होगा। सेकेंड अगर यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट बात करेंगे तो वो पॉइंट है कि जो भी फाइनल ईयर का एग्जाम अभी हो रहा है क्या वैसे ही मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका होने वाला है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर का। और थर्ड यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कि समर और विंटर के बीच में कितना गैप हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समर बैच के लिए। जो आप फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर के जितने भी स्टूडेंट है एमयूएचएस के अंडर, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एमयूएचएस के अंडर, यानी कि मैं बीएससी नर्सिंग या फिर बीडीएस, एमबीबीएस, बीएचएमएस, सभी प्रकार के जितने भी स्ट्रीम्स है उनके बारे में जो कि एमयूएचएस के अंडर आते हैं उनके बारे में मैं बात करता हूँ। स्टूडेंट फिर से कंफ्यूज होके मुझे वही मैसेज करते हैं बाद में कि सर आपने बोला फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर के लिए ये ठीक है, लेकिन क्या ये एप्लीकेबल है बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट ईयर के लिए। कुछ स्टूडेंट ये मैसेज करेंगे कि सर क्या ये एप्लीकेबल है बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के लिए। तो गाइज जब भी मैं बात करता हूँ एमयूएचएस के बारे में, एमयूएचएस में फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर के बारे में, तो जितने भी स्ट्रीम्स एमयूएचएस में आते हैं सबके लिए ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर के एग्जाम होंगे अभी नेक्स्ट वीक में, एक टाइम टेबल रिलीज हो सकता है। आपको एग्जाम के लिए 25 या 30 डेज मिल सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका क्या होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने अरेंज किया एग्जाम पीजी का, पीजी के बाद में उन्होंने फाइनल ईयर का एग्जाम अरेंज किया। उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है जिसके वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ चुका है। तो अभी यूनिवर्सिटी का ये कहना है, अजित पाठक सर का ये कहना है कि जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन ही होगा। अगर बीच में कोई भी स्टूडेंट पॉजिटिव आता है तो उसे विंटर में एग्जाम देने के लिए अलाउ किया जाएगा। ठीक है, और सेकेंडली यहाँ पे बात आती है अगर किसी में पॉजिटिव नहीं है लेकिन फीवर है, कोई कुछ सिम्टम्स है, ठीक है, कोविड पॉजिटिव अगर वो स्टूडेंट नहीं है तो उसको एक आइसोलेटेड रूम दिया जाता है एग्जाम के लिए, तो वो अपना पेपर वहां पे बैठ के लिख सकता है। ठीक है, तो इन केस अगर वो बाद में पॉजिटिव भी होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट स्प्रेड होने से बच सकते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं कि आपका एग्जाम ऑनलाइन क्यों हो रहा है, क्योंकि अजित पाठक सर का ये कहना है कि अभी उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है कि वो पूरा एग्जाम ऑनलाइन ले सके। जो टेक्निकल डिपार्टमेंट का, इंजीनियरिंग का वगैरह एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है तो उनका सिलेबस और आपका सिलेबस थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए आपका जो एग्जामिनेशन है वो अभी तक बोला नहीं गया कि वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो आपका अभी तो आप समझ के चलो कि आपका जो भी एग्जामिनेशन रहेगा वो ऑफलाइन होगा। आगे से मतलब नेक्स्ट वीक में उसका टाइम टेबल रिलीज होगा, और टाइम टेबल रिलीज होने के बाद एक 20-25 दिन आपको मिलेंगे स्टडी करने के लिए। तो अभी अगर आप वीडियो अभी देख रहे हो तो अभी से आप अपना पढ़ाई शुरू कर दो। हालांकि मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको क्लियर किया था कि एग्जाम होने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप अक्टूबर एंड या फिर मिड अक्टूबर तक आपका एग्जाम होगा। फिर विंटर बैच का क्या होगा, क्या विंटर बैच के एग्जाम और समर बैच के एग्जाम एक साथ में होंगे, तो डेफिनेटली वो एक साथ में नहीं होने वाले है। समर बैच और विंटर बैच के एग्जामिनेशन में लगभग 15 दिन का अंतर हो सकता है। ठीक है, 15 डेज का गैप बीच में होगा, लेकिन समर और विंटर के एग्जामिनेशन एक साथ में नहीं होंगे। और अगर कोई भी समर बैच का स्टूडेंट अगर पॉजिटिव होता है तो उसे अलाउ किया जाएगा कि वो विंटर बैच में जाके एग्जाम दे। तो गाइज ये कुछ डाउट है जो कि बहुत कॉमन डाउट्स आए थे, इसलिए आज मैंने वीडियो बनाया। सॉरी मैं रोज वीडियो नहीं बनाता बिकॉज थोड़ा सा बिजी हूं, लेकिन जो भी अगर इम्पोर्टेंट अपडेट आता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आपके लिए यही सजेशन है कि आप अपना पढ़ाई अभी शुरू कर दो। ठीक है, जो भी आपको बुक कलेक्ट करना है, जो भी आपका बाकी रहेगा नोट्स वगैरह, वो सब निकाल के आप अपना पढ़ाई शुरू कर दो। सेफ रहो, ठीक है, आपका और आपके फैमिली का भी आप ध्यान रखो। और अगर आपका एग्जाम सेंटर दूर है तो आप ट्राई करो, जो भी आपका टिकट्स वगैरह रहेगा वो सब निकालने का आप ट्राई करो। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो कि कंफ्यूज होंगे। थैंक यू गाइज़।